श्री राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। गांव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा फूलमालाएं पहना करके जोरदार तरीके वो वाली लीड दे दे दूसरी वाली। बहुत जोरदार तरीके से मान सम्मान रावदान सिंह जी का गांव के गणमान्य व्यक्ति और भाई बहुत जोरदार तरीके से गांव आगमन अरे नौजवान बच्चों के द्वारा घोड़ा पक्की रेहड़ी पर बैठा कर गया। और जा, जा, आप कौन हो रहा है रावदान सिंह जी का? लड़ुओं से जी, लड़ुओं से भाई जोरदार तालियां बजाए रावदान सिंह जी का आपके गांव में तोल से मान सम्मान लड़ुओं के लड़ुओं से तोला गया गांव की तरफ से। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां आपके गांव में मान सम्मान रावदान सिंह जी का। जोरदार तालियां रावदान सिंह जी का मान सम्मान। बाबूलाल सन्नो किसाराम जी, बाबूलाल सन्नो किसाराम जी आए। भाई जोरदार तालियां बाबूलाल जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। सुरेंद्र बैद जी, सुरेंद्र बैद जी आए। आ जाओ जी, सुरेंद्र बैद जी मान सम्मान कर रहे रावदान सिंह जी का। भाई जोरदार तालियां बजाए सारे साथी। अभय सिंह साहब हेलो, जो ले लीजिए भाई। वेद प्रकाश जी ने जब आप मान्यवर रावदान सिंह जी आप सीपीएस थे तब इन्होंने 10 साल आपकी लोक संपर्क विभाग में थे। आपका बड़ा पतालियां बजाए जोरदार तालियां। जिन्होंने हमारे संविधान के रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो समर्थी चिन्ह रावदान सिंह जी को भेंट करके स्वागत कर रहे, मान सम्मान कर रहे हैं। मान सम्मान आपके बीच में स्वागत। बस जी, अब मैं आपके बीच में उस महान शख्सियत को सादर आमंत्रित करता हूं जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, मान्यवर रावदान सिंह जी। भाई जोरदार तालियां बजाए रावदान सिंह जी के लिए। और भाई गांव में किस चीज का जयकारा लगता है? कौन सा बाबा का? बाबा भैया का। भाई पूरी ताकत के साथ जयकारा लगाना है। बोल बाबा भैया की, रावदान सिंह की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। धन्यवाद जी। ये हमारे साथी आए हुए थे बिहार से, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इन्होंने देखा है यहाँ इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरह से पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और शिक्षा के जगत के अंदर अपने अपने क्षेत्र में तरक्की पा करके यहाँ से जिंदगी में सेटल हो जाते हैं। सही, किसी ने सही कहा है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, ये बात सत्य। सम्मानित बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों, सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों और सम्मानित मंच, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है और इस चुनाव में आपको तय करना है कि आपका भावी विधायक कौन हो, भावी सरकार किसकी। 5 साल बाद तकरीबन ये चुनावी माहौल बनता है और उसी के अंदर ये जनता अपनी कसौटी पे खरा उतार करके ना उसका फैसला करती है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मतदान, सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़े अधिकार के साथ जनता ही सबसे बड़ी अदालत। आपने फैसला करना है कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता, कौन अच्छा कौन बुरा, किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा, और उसी आकलन के बाद आप लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमारे मत का हक कौन रखता है। मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूँ
ये पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, जहां हम सोचते थे कि बदलाव हुआ है तो शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हालात ये हैं कि बद से बदतर। अच्छे की तो बात ही नहीं, इन्होंने अच्छे दिन लाने की बात कही, आज लोग परेशान होकर कहते हैं कि लौटा दे वो बीते दिन। तो साथ और सच्चाई यही है कि आपने 10 साल के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक अमिट छाप। आज कोई एक संस्था बता दे, कोई एक उद्योग बता दे, कोई एक ऐसा फैसला बता दे जिससे आम आदमी पीड़ित ना हुआ हो, लेकिन इन्होंने जो लिए वो बता सकते हैं कि नोटबंदी बिना वजह की जिसे पूरा हिंदुस्तान पीड़ित रहा, GST बिना समय पे आकलन किए हुए उसे पूरा हिंदुस्तान, अग्निवीर योजना बिना सोचे समझे, जब 4 साल की नौकरी वो भी फौज की वो भी कच्ची, क्योंकि उसमें से 100 बच्चे मान लिया भर्ती होते हैं तो 75 को रिजेक्ट करके आप वापस भेज देंगे, सिर्फ 25% लोग रहेंगे, और जो 75 आएंगे उनको कोई एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। तो आप मुझे बताइए, वो 4 साल बच्चा 18 साल का गया, 22 साल में भर्ती हो गए, लौट के वापस आ गया, घर आके परिस्थिति होगी तो नाखुश और नाराज, उसके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो नशा करने लगे या अपराध में जाएगा, क्योंकि उसके लिए जॉब मिली नहीं, 4 साल जॉब करके आ गया। तो ये अग्निवीर योजना वाक्य में हमारे इलाके के लिए बहुत ही एक तरह से बेरोजगारी को बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ी चीज़ रही है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले रोडों पर देखते थे 200-200, 250-250 बच्चे दौड़ते थे शाम को, और पसीने में तर होकर के ना अपने शरीर को फिट करते थे कि हमें फौज में जाना। अब मुश्किल से 2-4 बच्चे नज़र आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा या तो एक्सरसाइज प्रेमी है या उनको ज़रूरत ये है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो भी मैं जाऊँ। सबसे बुरी बीमारी ना शहीद का दर्जा, अगर वह 4 साल में शहीद हो गया तो वो दर्जा भी इसको नहीं मिलेगा। इन परिस्थितियों के अंदर हम इनसे क्या अपेक्षा करें? 10 साल का वो राज जब कांग्रेस का देखा, हर वर्ग सुखी था, कोई वर्ग ऐसा नहीं था। आज 10 साल में हर वर्ग परेशान, चाहे किसान है चाहे जवान है। किसान दिल्ली में देखा आपने, 3 काले कानूनों जब वापस लिया, 13 मतलब महीने तक वो एजुकेशन चलता रहा, 700 किसानों ने जान से हाथ धो लिया, शहादत होगी, एक शब्द इनका उन किसानों की सहानुभूति में नहीं निकला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जवान के लिए अग्निवीर और किसान के लिए MSP तक की गारंटी नहीं देना, दोनों में फैसला आप कर लें। हाँ, हो जाएंगे जो कच्ची फौज होगी तो पूछते हैं जाके, कच्ची फौज में पक्की में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और फिर वैसे भी हरियाणा में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, इन्होंने एक बिल्कुल ही परवाह नहीं की, 1005 से ऊपर तो स्कूल बंद कर दिए। जब शिक्षा का स्तर ही आपके पास नहीं होगा, जब शिक्षा के संस्थान ही आपके पास नहीं होंगे, हम हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कितने पढ़ा लें? हर कोई आदमी प्राइवेट स्कूल के फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब सरकार कर क्या रही है? अब इससे कोई भी आदमी, चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है चाहे मजदूर है, वो पीड़ित है और बदलाव चाहता है, और बदलाव आ रहा है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा के इस कोने से उस कोने में 101% कांग्रेस की सरकार आ रही है, इनमें कोई मेरा नहीं। और जब सरकार आ रही है तो उसके अंदर आपको अपने नुमाइंदे की चयन करके उसके बाद भेजना है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जितने भारी बहुमत से आप यहाँ से भेजेंगे, उतने ही भारी बहुमत से आपके साथ ताकत बन के आएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूछे जी कांग्रेस क्या करेगी या क्या किया है। किया है वो तो सबके सामने, कि देश की जंग आज़ादी से लेकर आज तक की एकता अखंडता के लिए हमेशा कांग्रेस का ही रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो एक आदमी खड़ा हो गया नहीं कह सकती कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। जो कुछ किया वो कांग्रेस ने किया, और आज इनका आरोप है कि कांग्रेस क्या कर रही 70 साल में, कुछ नहीं किया, हमने किया जो कुछ किया। तो आपको फर्क करना है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 संकल्प दिए, उन 7 संकल्प के बारे में जिक्र करूंगा। वो पहला ये है कि जब 2019 के चुनाव इसी तरह चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी मैदान में, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हमें सत्ता मिली तो अगले महीने से चुनाव जीतते ही हम 3100 रुपये पेंशन कर दें।
वो भाई आज तक पांच साल, बात एक महीने की थी, बात पांच साल पे चली गई, पांच साल बाद भी 3,000 रुपए हुई है। तीन ही मिल रही है ना जो बुजुर्ग है, तीन मिल रही है माता जी, तीन। कांग्रेस ये कहती है आपकी सत्ता आते ही एकदम से 6,000 हो जाएगी दोनों बुजुर्गों की, 12,000 सिलेंडर जो आज 1100 रुपए में, कांग्रेस राज में 400 रुपए में था। यही बीजेपी के लोग कपड़े उतार करके यूं घुमाते थे, हाय महंगाई हाय महंगाई, और आज 1100 में बोलते हैं, 400 में तो बोलते थे, 1100 में बोलते नहीं। 4550 में डीजल था तो बोलते थे, आज 90-95 तो नहीं बोलते। यानी इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है, यह आपको मानना पड़ेगा। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम 500 रुपए में आपका सिलेंडर देंगे, यह इन बहनों के काम आएगा। 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और भाई सबसे बड़ी बात, गरीब परिवार जितने बीपीएल हैं उनके पास पहले 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, अब प्लॉट नहीं है, लेकिन परिवार बढ़ गया। एक छत के नीचे माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी बड़े मेहमान सभी सामाजिक रिश्तों को भी नहीं निभा सकते, तो हमें जरूरत है वो रखी। तो भाई कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम 100 गज का प्लॉट देंगे, लेकिन खाली प्लॉट नहीं होगा, उसमें 2 कमरे 1 रसोई और 1 बाथरूम होगा। ये आप लास्ट में जो भाई बीमार हो जाते तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि भाई देखिए हरी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती, लेकिन आ जाती वो जानता है। वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे सरकार से क्या मदद मिल सकती। सरकार कहती है हम तो ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी 5% लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुष्मान कार्ड 5 लाख है वहाँ तक का कार्ड का आपको दे सकते हैं। अब वो भाई जिस हॉस्पिटल में जाता है वो कहता है भाई बड़ी बीमारी है और आपका यहाँ पर तो 20-25 लाख रुपये खर्च हो सकता है। अब वो मायूस में वापस आ जाता है और अपनी बदहाली पर पछताता है कि काश से भगवान मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना इलाज करा लेता, लेकिन आज पैसे न होने की वजह से मैं पल पल की मौत मर रहा हूँ और वक्त से पहले इन सबको मैं अलविदा कह के जा रहा हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आए, भगवान न करे कभी आए, तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है 25 लाख तक का कोई भी इलाज होगा उसको फ्री कर दिया जाएगा। लास्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी आम आदमी को वो है फैमिली आईडी की, परिवार पहचान पत्र, हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र, क्योंकि इनके अलावा कभी कोई कोर्ट में है, कहीं ब्लॉक में है, कभी कहीं हॉस्पिटल में है तो आपकी उसकी ज़रूरत है फैमिली आईडी की, कोर्ट में है तो आपकी ज़रूरत है फैमिली आईडी की, रेवेन्यू कोर्ट में है तो आपकी ज़रूरत है फैमिली आईडी की, स्कूल में है कॉलेज में एडमिशन है तो प्रूफ है आपकी फैमिली आईडी की। तो भाई ये परेशानी है, इसको कांग्रेस ने फैसला किया है कि जैसे ही सब आएगा जो काटा मार के परेशानी पत्र को ख़त्म कर दिया जाए। और भाई अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाजपा के जो वो कहने लगे भाई भाजपा ने भी आपने 7 संकल्प दिए, भाजपा ने 20 दिए, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा वो 20 के 40 भी दे दें उस बात को जनता भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि हम पहले भुगत चुके। 2014 में उन्होंने कह दिया था 15-15 लाख खाते में देंगे, आए क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हुआ क्या? अच्छे दिन लेके आएंगे, आए क्या? उनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? और हमारी बातों पर भरोसा है क्योंकि मनमोहन सिंह के टाइम पे कहा था हम कर्जा माफ़ करेंगे छोटे किसान का, तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था पूरे देश के अंदर, और 1600 करोड़ रुपए माफ़ किए थे बिजली के, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे। हमारी गारंटी है, इनकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी तो गारंटी दी थी वो पूरी नीताज कौन मानेगा। दूसरा हम तो कहते हैं कल राज आएगा तो करेंगे, इनके पास तो राज है 10 साल में क्यों नहीं किया, अभी याद कैसे आई? और अब भी जब कह रहे जब आचार संहिता लगी कि आपको कोई कहेगा तो बोले जी आज तो ही करेंगे, हम पहले कर देते, आपका काम पलड़ा भारी था। ये तो सिर्फ इस बात से बच रहे हैं कि सत्ता तो कांग्रेस को जा रही है, तो भाई लोगों को कहें भाई हम क्या करें, हम भी तो यही कर रहे थे, आपने मानी नहीं हमारी बात। सिर्फ अपना बचाव का अस्तर है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का काम ही झूठ बोलना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस पार्टी का नाम है BJP, यानी बहुत झूठी पार्टी। अब इसमें जो भरोसा करे कर ले, नहीं तो सच्चाई के साथ चली कांग्रेस को मतदान कर दे। तो भाई मैं भारतीय के सारे भाई और बहनों का, नौजवान साथियों का, 36 बरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि 5 तारीख को हाथ का निशान है, बटन दबा दब खटाखट खटाखट भर देना, अगला काम आपका नहीं अगला काम मेरा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और जो मान सम्मान मगर बड़ी खुशी की बात है, बोले गिरती को दी हो मगले भी क्यों,
बोले कोई ना कोई कान में फूक मार दे, बोले ये तो अपनी पार्टी को बोले। तो भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, हमने एक से दूसरा तीसरा आदमी तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो मैं जानता हूँ, तुम दे रहे हो मैं ले रहा हूँ, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।